और प्रधानमंत्री जी हिमाचल आ रहे हैं, उनका हम दिल की गहराइयों से स्वागत भी करते हैं, उनका मान सम्मान भी करते हैं। बेशक वो हमारी विचारधारा से नहीं है, मगर क्योंकि देश के प्रधानमंत्री है इसलिए उनका स्वागत करना हमारा दायित्व बनता है। मगर हम यही प्रयास करेंगे, यही निवेदन करेंगे उनसे कि वो कुछ हिमाचल प्रदेश को देकर भी जाए, क्योंकि जितनी बारी भी अभी तक वो हिमाचल आए हैं, चाहे वो कुल्लू मनाली आए जब वो अटल टनल का उद्घाटन करने के लिए, उसके पहले धर्मशाला में आए, तो कोई भी वित्तीय पैकेज उन्होंने हिमाचल प्रदेश को जो है वो नहीं दिया है। जब पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह हिमाचल आया करते थे तो करोड़ों के जो है वो पैकेज हिमाचल प्रदेश को देकर जाते थे। तो यही हमारा निवेदन रहेगा कि हिमाचल प्रदेश की वित्तीय परिस्थिति को मद्देनज़र रखते हुए, खास करके हमारे बागवानों और किसानों के लिए कोई आर्थिक पैकेज वो हिमाचल प्रदेश के लिए देंगे तो हम उनका दिल के गहराइयों से जो है वो स्वागत करेंगे, अभिनंदन करेंगे। सर, तो आप भी शिमला रहे हैं, शिमला जो है वो एप्पल इकोनॉमी का गढ़ है, शिमला ज़िला खास करके, तो निश्चित तौर से उनको कुछ ना कुछ जो है वो राहत हिमाचल प्रदेश के बागवानों और किसानों को देनी चाहिए। एप्पल ग्रोइंग इकोनॉमी है हिमाचल प्रदेश इस इलाके की, चाहे वो हमारा MSP की बात है, चाहे वो जो है इम्पोर्ट की सब्सिडी, इम्पोर्ट को पे ड्यूटी बढ़ाने की बात है, हर चीज़ पे उनको कार्य करना चाहिए। और उसमें जो कमी पेशियां रही है उसमें आने वाले समय में उनको इसके ऊपर कार्य करना चाहिए, चाहे वो ओलावृष्टि से नुकसान हुआ है, चाहे आपके पेटियों के दाम बढ़ रहे हैं, आपके जो खाद उत्पादन है आज उस पर जो सब्सिडी पहले मिलती थी वो अब बंद हो चुकी है, दवाइयों पे सब्सिडी मिल रही थी वो कम हो चुकी है, तो इन सब चीज़ों पे सरकार को ध्यान रखने की आवश्यकता है। क्योंकि हमको ये नहीं भूलना चाहिए कि हिमाचल प्रदेश की जो रीढ़ की हड्डी है वो हमारे बागवान और किसान हैं, जिसके लिए ये सरकार जो है लिप सर्विस से ज़्यादा, मेहर औपचारिकताओं से ज़्यादा और कुछ नहीं कर रही है। टन है उनको इतने ऐतिहासिक कार्य अगर नहीं दिख रहे हैं, 3-3 ITI डिग्री कॉलेजेस, सबसे बड़ी पेयजल योजना हिमाचल प्रदेश की, अगर वो नहीं दिखाई दे रहा है तो हम उनके लिए जो है हम उनके लिए कुछ नहीं कर सकते हैं। उनको अपना जो है आंखों का इलाज कराने की आवश्यकता है। और आज भी हमने आंकड़े सहित ये बातें कही है कि शिमला ग्रामीण में पिछले 4.5 साल में हमने कुल मिलाकर करीबन 90 करोड़ रुपये के विकास कार्य, मैं ये नहीं कहूँगा कि सारे हमने खुद किए हैं, उसमें सरकार से भी हमने समर्थन मांगा है, चाहे वो विधायक प्राथमिकता के माध्यम से है, चाहे मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना के माध्यम से है, चाहे और स्कीम्स के माध्यम से है, हमने समय समय पर मांगे सरकार के समक्ष रखी है, विधानसभा में रखी है, और इन कार्यों को हम करवाने में सफल हुए हैं। इसका पूरा लेखा जोखा हम आने वाले समय में जनता के बीच में लेकर जाएंगे और आखिरी निर्णय जो है वो प्रदेश की और क्षेत्र की जनता ने लेना है कि किसका उन्हें काम पसंद आया है और किसको वो भविष्य में अपने क्षेत्र का नेतृत्व की जिम्मेवारी सौंपना चाहते हैं।